नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास रतूड़ी। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कब बदलेंगे हालात में। उत्तराखंड के पहाड़ों पर इन दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। अब अगर एक तरफ मानसून की मार पड़े और दूसरी तरफ शासन प्रशासन की लापरवाही, बेरुखी और अनदेखी की मार भी एक आम इंसान को झेलनी पड़े, तो ऐसे में वो आम इंसान करे तो क्या करे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के सीमांत बंगाण क्षेत्र की, जहां लोगों को खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। उफनती नदी के बहाव को पार करना पड़ रहा है। आखिर कहां और क्यों हैं ऐसे हालात, देखिए ये रिपोर्ट। आखिर कब बदलेगी तस्वीर, आखिर कब सुधरेंगे हालात। उत्तरकाशी में खतरनाक रास्ते को पार करते ग्रामीण, उफान पर बहती नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं उत्तरकाशी के सीमांत बंगाण क्षेत्र की, जहाँ 2019 की आपदा में क्षतिग्रस्त पुल आज तक नहीं बन पाया है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था तो बना दी गई थी, लेकिन वैकल्पिक बनाए गए रास्ते पर इन दिनों पानी का जलजला बह रहा है, जिसको पार करना लोगों के लिए चुनौती बन गया है, तो वहीं उनकी मजबूरी भी बन गया है। उसके बाद भी लोग जैसे तैसे अपनी बदहाली को झेल रहे थे, लेकिन 2021 के मानसून की बरसात ने आपदाओं के साथ ही कई पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया। मानो जैसे पुराने बदहाल हालात उनके सामने फिर से आकर खड़े हो गए हों। ऐसी ही तस्वीरें 2016 के आपदा में भी प्रभावित हुए सीमांत बंगाण क्षेत्र में सामने आई थी। ये क्षेत्र आपदा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और मानसून में हर बार ही आपदा की मार झेलता है। ऐसे में यहाँ शासन प्रशासन के आपदा को लेकर पूर्व तैयारियों की पोल पट्टी भी खुलती नजर आ रही है। भले ही प्रशासन आपदा के नाम पर लाखों दावे करे या खुद को आपदा से निपटने को तैयार बताए, लेकिन जमीनी हकीकत पर बंगाण जैसे क्षेत्र शासन प्रशासन के दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। अगर ऐसा न होता तो क्या 2019 से क्षतिग्रस्त पुल अब तक बन नहीं पाता। आरकपुर बंगाल क्षेत्र में भीषण आपदा आई थी, जिसमें पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था। क्षेत्र की मोटर मार्ग, मोटर पुल, झूला पुल, पैदल पुल सब बह गए। लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आप देख सकते हो कि एक बारिश से ही जो विभाग द्वारा एक टेम्प्रेरी व्यवस्था की गई थी, वो सब बह गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक जो 2 गाँव को जोड़ने वाला मोटर पुल था, वो सब बह गया था और विभाग द्वारा टेम्प्रेरी नहरों रास्ता बनाया गया था, वो पूरी रूप से खत्म हो गया है, और जिससे कई गाँव का संपर्क टूट चुका है। दुचाणु और किराणु गांव के लोग आज भी उफनते नाले को पैदल ही पार करने को मजबूर हैं। गदेरे का बढ़ता जलस्तर कभी भी ग्रामीणों की जान से खेल सकता है, मगर शायद ये ही इन ग्रामीणों की नियति बन गया है, जिसके कारण ये जान हथेली पर रख करके नाला पार करने को मजबूर है। 2019 की आपदा में बंगाण क्षेत्र के दुचाणु और किराणु सहित मलाना, एराला, भटाडीस, सिलोली आदि को जोड़ने वाला मोटर पुल बह गया था, जिसके बाद से आज तक यहाँ पुल नहीं बना गया है। अब इसको सिस्टम की नाकामयाबी ना कहें तो और क्या कहें। TNN के लिए उत्तरकाशी से सुमित कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ।